बॉलीवुड के फेमस सिंगर व म्यूजिक डायरेक्टर बॉबी लहरी अब दुनिया में नहीं रहे। सिंगर ने 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बॉलीवुड को शानदार म्यूजिक देने वाले बॉबी लहरी के निधन से उनके फैंस और स्टार्स बुरी तरह से टूट गए हैं। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। बॉलीवुड को डिस्को म्यूजिक देने वाले बॉबी लहरी के म्यूजिक के गाने आज भी हर किसी की जुबान पर है। अस्पताल के निदेशक के मुताबिक बीते एक महीने से बॉबी लहरी का इलाज चल रहा था और सोमवार को ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया, लेकिन देर रात उनकी तबीयत ज्यादा फिर से बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि ओएसए यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चलते ही बॉबी लहरी का निधन हुआ है। आपको बता दें कि बॉबी लहरी अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। बॉबी के परिवार में उनकी पत्नी चित्रानी लहरी, बेटा बप्पा लहरी, बेटी रीमा लहरी, एक पोते स्वस्तिक बंसल और बहू तनीषा वर्मा है। बॉबी लहरी का बेटा बप्पा लहरी भी पिता की तरह ही म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वह एक इंडियन फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं।